हूँ रूपल त्यागी। मैं स्मितेश त्यागी। और आज हम आपको घुमा रहे हैं उदयपुर। एकदम मस्त घुमाएंगे, एकदम कड़क। तो मैं उदयपुर पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन स्मितेश फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है। एंड अगर आप लोगों ने मेरा वो ब्लॉग नहीं चेक किया तो मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगी, उसको भी चेकआउट कर लो। वो ब्लॉग इंग्लिश में है, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने मुझे लिख के कहा कि प्लीज हिंदी में एक ब्लॉग करो, तो इस बार मैं आपको उदयपुर हिंदी में घुमाऊंगी। लेट्स गो। सो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस क्या थे उदयपुर से? उदयपुर में समझा राजस्थान में एकदम मस्त वो डेजर्ट, इधर हरियाली हरियाली। आई नो दैट्स अ सरप्राइज फैक्टर। तो उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, एंड इट्स द सिटी ऑफ लेक्स। इट्स अ सिटी ऑफ व्हाट? लेक्स। एंड वो ड्राइवर दारू भी बोला अभी। ऑफ कोर्स, क्लियरली। सो अभी हम कहां जा रहे हैं? महाराणा। हाय मॉम। स्मारक, साउंड एंड लाइट शो, ये बेसिकली गार्डन है। इसका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। एंड बाकी लेट्स सी। हाय डैड। साउंड एंड लाइट शो तो हम नहीं देख पाए, लेकिन हमने यहाँ का म्यूजियम जरूर देखा, जिसका नाम है वीर भवन। यहाँ पे मेवाड़ की हिस्ट्री पेंटिंग्स के थ्रू दिखाई गई है, और यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स भी बने हैं उन सब फोर्ट्स के जो कि मेवाड़ में प्रेजेंट है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का भी आप यहाँ पे एक मॉडल देख सकते हैं। उसके बाद टाइम आया कुछ पेट पूजा का, मसाला छाछ और बहुत ही टेस्टी राजस्थानी चाट। कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहते हैं ऑटो अड्डे को, डैड को स्पेशल सीट मिली है। जगदीश टेम्पल के टुक-टुक बोलते होंगे, बट हम लोग जा रहे हैं जगदीश टेम्पल, जो कि है ओल्ड उदयपुर में, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती है। या तो वॉकिंग जाना होता है या यू टेक समथिंग लाइक दिस। सो इज इट फन स्मितेश? हां हां, इसके एग्जॉस्ट को गलियां होते हैं देखो। हां आडोली गलियां। तो हम लोग अभी ओल्ड सिटी, इधर फील आ रही है, ओल्ड सिटी में है, एंड हम लोग जा रहे हैं जगदीश टेंपल। बट उससे पहले मॉम थोड़ी सी शॉपिंग कर रही है चप्पल की, बिकॉज हैशटैग गर्ल प्रॉब्लम्स। बट वो सॉर्ट आउट होते हम लोग टेंपल जाएंगे, उसके बाद लेक पचोला। फाइनली फील आ रहा है कि हम लोग उदयपुर में अब तक सिटी घूम रहा हूँ। करेक्ट, न्यू सिटी घूम रहे थे, और वहाँ पे वो ये जो वाइब है, जो मेन चीज है यहाँ की, वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। बट अब फाइनली द वाइब्स, द वाइब्स। हेलो, व्हाई डू यू साउंड थाई? ओह सॉरी। झील व्हील सब कुछ ठीक है, पहले हम लोग अभी लेक पिछोला के पूरे आई थिंक 360 डिग्रीज राउंड जा चुके हैं। yes. अभी ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, नाम भूल गई मैं, समथिंग 1559 AD। सो डिनर वहाँ करेंगे हम। इट्स लवली। ओ माय गॉड, इजंट दिस रेस्टोरेंट एपिक? टेल मी यस ऑर नो। ब्यूटीफुल राइट? सो यहाँ से बिल्कुल सामने सिटी पैलेस दिख रहा है, जिसका व्यू इस वक्त इतना सुंदर है। एंड ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट, इट्स कॉल्ड उपरे, उपरे बाय 1559 AD इस रेस्टोरेंट का नाम है, और ये बिल्कुल लेक पिछोला पर है।
एंड यहाँ से व्यू बहुत 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 स्टनिंग है। खाना देखते हैं कैसा होगा। हाँ अभी जस्ट सनसेट हुआ है एक्चुअली, हम लोग अर्ली डिनर के लिए आए हैं। खाना बहुत ही अमेजिंग था और एम्बियंस तो इज लाइक टोटली वर्थ इट, बट थोड़ा महंगा रेस्टोरेंट था। बट एज यू कैन सी, ये मेरे जो महाराणा प्रताप है ये तो ऑलरेडी सो चुके हैं एंड चेतक तू भी सो रहा। हाँ चेतक भी सोने जा रहा है बिकॉज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। सो ओके डे वन जो हुआ, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, आज हमारा दूसरा दिन है उदयपुर में एंड हम लोग आज बहुत सारे साइट सीइंग करने वाले हैं। हाँ। सबसे पहली बात, हमारे होटल का नाम क्या है? हम लोग ठहरे हैं होटल भैरवगढ़ में एंड ये होटल जो है ये बेसिकली एक हिल के ऊपर है, सिटी से थोड़ा दूर है, बट द व्यूज फ्रॉम हियर बहुत 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 गॉर्जियस है कि नहीं? यो सो वेयर आर वी? मॉनसून पैलेस। वेयर आर द मॉनसून पैलेस एंड यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा किकैस है, पूरा उदयपुर दिखता है एक साइड से, दूसरी तरफ से अरावली हिल्स एंड हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। सो मौसम इज ग्रेट। यस यहाँ पे तीन गाने भी शूट हुए। ओ तुम गाओ। सो आपने जो विशेष ज्ञान अभी बांटा प्लीज एक बार बांट दीजिए। और दिस पैलेस वाज कंप्लीटेड इन 1900s। हाँ शुरू हुआ था आई थिंक अराउंड 1858 15। कूल नॉट बैड। एंड हिज सन फतेह कंप्लीट। Okay. बस इतना ज्ञान है मेरे पास। Okay. पीछे व्यू दिखा रहे हैं। So, जितनी बार भी मैंने उदयपुर गूगल किया ना एंड थिंग्स टू डू इन उदयपुर, ये सबसे पहले पॉपअप होता था। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेस? सम महारानी की सहेली सहेलियों की बाड़ी एंड यहाँ की जो राजकुमारी थी उसने एक टाइम पे यहाँ पे ऐसे लाइक जिद किया स्टबर्न एंड शी सेड चाहिए पानी। हाँ मुझे इधर ही पानी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि बारिश हो ड्यूरिंग समर। हाँ ड्यूरिंग समर मुझे मॉनसून चाहिए। सो देन उसके स्वीट डैड ने कुछ टेक्नोलॉजी यूज की। हाँ और फतेह सागर लेक आई डोंट नो हूएवर शी इज राजकुमारी, सो राजकुमारी के डैड हुए ना राजकुमारी से। हाँ तो उन्होंने ये गार्डन बनाया ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सके एंड हाँ एंड मॉनसून का मजा भी ले सके बिकॉज लेक से कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पर उन्होंने फाउंटेन एंड गॉड नोज व्हाट नॉट बनाया है ना। कूल, मैं भी ऐसी जिद करने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं भी बनाऊंगा। तुम मेरे लिए बनाओगे गार्डन? हाउ स्वीट। अरे देखा भाई का प्यार। 200 रुपए का देता हूँ सहेलियों की बाड़ी में नाचने गाने के बाद वक्त था थोड़ी सी शॉपिंग का और उसके बिल्कुल सामने था हैंडीक्राफ्ट जेम्स एंड ज्वेलरी। यहाँ के मटेरियल बहुत ही अमेजिंग थे और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद हम गए पंडित जी की लेमन टी पीने जो कि काफ़ी अच्छी थी, वन ऑफ द बेस्ट टीज एवर हैड। और उन लोगों ने नेक्स्ट डे बड़ी स्वीटली हमारे लिए फ्री में पैकेट लेके आए। एंड ये है वो पंडित जी, थैंक यू सो मच इतनी अमेजिंग चाय के लिए। सामने एक बहुत ही ट्रेडिशनल लंच किया। मैंने खाया दाल भाटी चूरमा एंड तुमने खाया नॉन वेज कॉम्बो, उसमें था लाल मांस चिकन करी रोटी राइस। हैवी था, वेरी एक्सट्रीमली हैवी, एक्सट्रीमली हैवी था बट डिलीशियस नॉनदेलेस। अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस देखने। 300 रुपए की टिकट पर तुम्हें तो स्टूडेंट डिस्काउंट मिला ना। हम सब स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं। हमें सिटी पैलेस घूमने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। पैलेस देखने में है बहुत सुंदर। अगर आपको हर चीज़ की जानकारी थी तो आप प्लीज़ गाइड करें ना, क्योंकि अगर गाइड नहीं होता हमारे साथ तो हमें घंटा कुछ समझ आता। सिटी पैलेस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है, फर्स्ट बीइंग नम्मा मैसूर। करेक्ट। और यहाँ का सिटी पैलेस का एक एक रूम एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है। सो फाइनली हमारा गाइडेड टूर खत्म हो गया इस पैलेस का एंड ओ माय गॉड ज्ञान का पूरा नॉलेज, व्हाट हिस्ट्री, मतलब मजा आ गया पूरा पैलेस घूम के। ये अभी हम क्या है, ये रोपवे में बैठ के जा रहे हैं एक टेंपल। चलें चलते हैं।
I don't like this. Are you scared? Yeah, I'm scared. It's my pehli tingli feel. Kya hota hai tingli? Tingli. Toh mere ko dekho. दर्शन हो गए, पान हो गया, अब पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। ओके, सो हमारा उदयपुर का ट्रिप आज ख़त्म हो जाएगा एंड हम लोग अपना फाइनल डिनर करने आए हैं उदयपुर में एट होटल अमराई, विच इज़ वेरी हाईली रेटेड। अभी देखते हैं यहाँ का फूड कैसा होगा। बाय द लेक, इट्स ब्यूटीफुल, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है एंड आज यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है आज। सो हम लोग डिनर करेंगे एंड विद दैट हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। वेरी गुड चित्तौड़ है। उडुपी नहीं, उडुपी नहीं, उदयपुर साउथ में। उदयपुर। ऑलराइट, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट नहीं बोलते, कमेंट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ बाय द वे। मेरा कमेंट आता है। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय।